जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाना है थर्ड ओडीआई मुकाबला। ये महामुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक की जो सीरीज साबित हुई है उसमें एक मुकाबला पाकिस्तान ने तो दूसरे मुकाबले पर साउथ अफ्रीका की टीम ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब ट्रॉफी पर कब्जा कौन करेगा? बता दें दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच महामुकाबले चल रहे हैं। इन महामुकाबलों में हम देख रहे हैं कि पिछले दो ओडीआई काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हुए, जहाँ पहले मुकाबले में जिस प्रकार से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत अच्छे से पाकिस्तान की टीम ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में 193 बनाने के बाद फखर जमान को जिस प्रकार से क्वेंटिन डिकॉक द्वारा आउट किया गया रन आउट, वो सचमुच सोशल मीडिया पर एक अलग से सैलाब ले आया था, जहां पर क्वेंटिन डिकॉक को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की आवाम का गुस्से का शिकार होना पड़ा था। लेकिन बाद में फखर जमान ने शांत किया सबको इस बात को कहकर कि क्वेंटिन डिकॉक की कोई गलती नहीं थी, वो दूसरी तरफ खड़े बल्लेबाज की तरफ क्यों देख रहे थे, इसी में उनकी गलती थी। तो ये फखर जमान का दोस्तों बयान आने के बाद पाकिस्तान के फैंस थोड़ा बहुत शांत हुए, लेकिन अब भी गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन सबको ये लगा कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में क्वेंटिन डिकॉक से बदला लेकर अपने गुस्से को शांत किया जा सकेगा, लेकिन आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की सारी टीम ही बदली नज़र आ रही है। दोस्तों आपको जो नाम बताएंगे वो थोड़े अटपटे हो सकते हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक दमदार खिलाड़ी हैं। दोस्तों कई मौके पर हम देखते हैं कि जब टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज किसी इंजरी का सामना करते हैं या किसी खास कारण की वजह से टीम इंडिया का साथ छोड़ के भारत देश वापस आ जाते हैं, तो उनकी जगह लेते हैं कुछ नए खिलाड़ी। कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है और नए मौके को अच्छे से दोनों हाथों से ग्रैब करके उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। तो आज के मुकाबले पर दोस्तों नज़र डालें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, तेंबा बवूमा और बाबर आजम जब टॉस के लिए मैदान पर आए तो मैदान सजा हुआ था, और दूसरी तरफ जब टॉस उछाला गया तो गिरा वहाँ की घरेलू टीम साउथ अफ्रीका के पक्ष में, क्योंकि दोस्तों आज का मुकाबला स्पोर्ट्स वहीं के मैदान पर हो रहा है जहाँ पहला ओडीआई मुकाबला हुआ था। इसके बाद हमने देखा दोस्तों, पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका हारी थी क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी, और पिछले दो ओडीआई अगर देखे जाएँ दोस्तों, जो टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई उसमें हमने देखा किस प्रकार से चेस करने वाली टीम ने जीत दर्ज की, फिर दूसरे मुकाबले में जो टीम पहले खेल के बल्लेबाजी करके गई थी उसने दूसरे मुकाबले में चेस करने नहीं दिया। तो ये मुकाबला दोस्तों काफ़ी टक्कर का होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन ये नहीं होगी कि टॉस जीतो और मैच जीतो, क्योंकि दूसरे मुकाबले में तो पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था वो जब चेस कर रही थी, क्योंकि लक्ष्य ही 341 जितना खड़ा कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें, क्योंकि ये टीम काफ़ी मजबूत दिख रही है साउथ अफ्रीका की, हो सकता है कि ये खिलाड़ी कुछ अच्छा ही कर जाएं। जहां एडन मार्करम तो दोस्तों दिखाई दे रहे हैं ओपनिंग में, लेकिन क्वेंटिन डिकॉक, कगिसो रबाडा, ऑनरिक नॉर्ताज, डेविड मिलर और लुंगी एनगिडी, ये पांच खिलाड़ी आज के मुकाबले को मिस करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी भारत देश के लिए वापस आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू होने में बहुत कम ही दिन बचे हैं। 9 अप्रैल से मुकाबला शुरू हो जाएगा, लेकिन ये पांचों खिलाड़ी अपने अपनी टीम का पहला मुकाबला मिस करते नजर आएंगे, ये खबरें सामने आई हैं। क्योंकि भारत देश आने के बाद जब इन्होंने सेकंड ओडीआई खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत देश आ गए थे उसके दो दिन बाद ही, लेकिन अब खुद को क्वारंटाइन कर लिया है 7 दिनों के लिए, जहाँ पर आइसोलेशन में रहेंगे। 7 दिनों के बाद ही ये मैदान पर नजर आएंगे, लेकिन तब तक टीमों के एक एक मुकाबले हो चुके होंगे, जहाँ दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए मुसीबत बनेंगी। क्योंकि दोस्तों पांचों खिलाड़ी बहुत दमदार हैं और पिछले कई सीज़न अगर आप उठा के देखें तो आईपीएल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। सभी की नज़रें इन पांचों खिलाड़ियों पर रहती है, और अगर पिछले कुछ मुकाबलों पर नज़र डाली जाए दोस्तों, तो डेविड मिलर ने 2 अर्धशतकीय पारी खेली थी ओडीआई मुकाबले में। पहले मुकाबले में क्वेंटिन डिकॉक अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में 80+ रन मारे, तो वहीं तीसरे मुकाबले में उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी दिखेंगे, लेकिन अब इन्होंने टीम का साथ छोड़ते हुए आईपीएल खेलने के लिए आ गए हैं। ये अपने आप में ही एक अलग मुद्दा बनता है दोस्तों, क्योंकि अपनी टीम को छोड़ते हुए ये इंडियन प्रीमियर लीग खेलने आ रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग कितना बड़ा मंच है। प्लेइंग 11 में दोस्तों एडन मार्करम के साथ जानेमन मलान और जे जे स्मिथ्स और तेंबा बवूमा, काइले वेरेने, हेनरिक क्लासेन और एंजिले फेलुकावे, केशव महाराज और डारियन डोपियोविलिन और बेरान हेंड्रिक्स, और वहीं लूथो सिंपाला हमको देखने को मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में। लेकिन क्या पाकिस्तान कोई बदलाव करेगी? दोस्तों अगर दोनों मुकाबले पिछले देखे जाएं तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी हावी थी, भले ही पिछले मुकाबले यानी सेकेंड ओडीआई में आखिरी ओवर में 30+ रन चाहिए थे, जहाँ पर फखर जमान के लिए
भी वो काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ फखर जमान अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से अग्रसर थे लेकिन वो खिलाड़ी दोहरा शतक नहीं कंप्लीट कर पाया था जिसकी वजह से फैंस काफ़ी निराश थे। लेकिन दोनों मुकाबले में पाकिस्तान का बहुत पलड़ा भारी दिखा है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की जो आज के मुकाबले में खेल रही है, उसमें है इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी और दूसरी तरफ आज उस्मान कादिर को मौका मिलता नज़र आया है और हारिस रौफ भी टीम में है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राशिद बंदर दुसैन, जिनसे उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन कुछ खास कारणों की वजह से राशिद बंदर हुसैन ने मिस करा है आज का मुकाबला। तो दूसरी तरफ शादाब खान हैं टो इंजरी की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर। तो ये दो खिलाड़ी वो नाम है जो अपनी खास चोटों की वजह से, इंजरी की वजह से बाहर हैं। तो दूसरी तरफ वो पांच नाम अलग कर दीजिए जो इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए आए हैं। तो दोस्तों ये होती है साउथ अफ्रीका वर्सेज पाकिस्तान की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11। अब यहाँ साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी करने के लिए आई है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की टीम काफ़ी घातक दिख रही है। हो सकता है कि बाबर आजम के बल्ले से एक और शतके पारी दिखे, हो सकता है कि फखर जमान, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 7 रन से अपने दोहरे शतक से चूक गए थे, वो आज वो 7 रन के साथ दोहरा शतक जड़ दें। हो तो ये भी सकता है दोस्तों आज के मुकाबले में इमाम उल हक के बल्ले से अच्छे रन आए, हो ये भी सकता है कि मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद एक अच्छी पारी खेलकर टीम को अच्छी पोजीशन मिलाएं, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले पर नज़र डालें तो मोहम्मद रिजवान के बल्ले से ज़्यादा रन नहीं आए हैं, इमाम उल हक ने ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है, बाबर आजम, फखर जमान को छोड़ के सभी खिलाड़ी अभी तक बल्लेबाजी में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। 50 रन के करीब मारते हैं लेकिन टीम को ज़्यादा ज़रूरत है और पार्टनरशिप की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जितने भी तेज दिग्गज गेंदबाज थे, उन्होंने टीम का साथ छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग का हाथ थाम लिया है। तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आज के मुकाबले में डेथ ओवर और पावर प्ले में कौन सा गेंदबाज साउथ अफ्रीका के लिए खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान को ज्यादा रन का पहाड़ खड़ा करने से रोक पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो ग्राउंड है जहां पर ये स्पोर्ट्स ग्रीन पार्क कहा जा रहा है, यहां पर 280-290 एक एवरेज बताया जाता है फर्स्ट इनिंग के दौरान, और ऐसे में अगर सामने खतरनाक बल्लेबाज बाबर आजम हो तो फिर यहाँ पर स्कोर को आप 50-60 रन और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान का अभी तक जो टेल एंडर यानी कि जो मिडिल ऑर्डर के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी, जो अपने बल्ले से लंबे लंबे हिट मारकर स्कोर को बड़ा कर देते हैं, वो अभी तक वो कमाल नहीं कर पाए हैं। तो आज के मुकाबले में, नॉकआउट मुकाबले में, उम्मीद यही करते हैं कि ये बल्लेबाज बहुत घातक पारी खेलेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है कि आज के मुकाबले में किसकी जीत होगी, क्या वो पाकिस्तान की टीम होगी या साउथ अफ्रीका? क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम होती है तो साउथ अफ्रीका के उन्हीं के घरों में हराकर ओडीआई सीरीज पर कब्जा करेगी। फिर टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के पास मौका होगा उनसे बदला लेने का, लेकिन वहां पर फिर से डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक, लुंगी एनगिडीज, ओंदिक नॉर्थ, याज कागिसो रबाडा जैसे घातक खिलाड़ी नहीं मौजूद होंगे। तेंबा बबुआमा के सामने बड़ी चुनौती है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एकदम खतरनाक दिख रही है और दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी अब हमें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी में टीम में देखने को मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इस महामुकाबले में कौन सी टीम जीतती है। इसकी हर अपडेट दोस्तों हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएगा किसकी होगी आज के मुकाबले में जीत। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।